थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है, मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने कामयाबी की कड़वी गोली ना चखी हो, वो कामयाबी के लिए प्रयत्न महत्वाकांक्षा नहीं करता। बहुत ही प्यारा थॉट है। आप छोटी सी भी अगर आपकी ख्वाहिश है, अगर आप उसे कामयाब हुए हो, तो उसी को बेस बनाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इसी थॉट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। आज 14 अप्रैल 2021 ईयर फर्स्ट पॉइंट क्या है, किसके द्वारा पर्सन ऑफ कलर नाम व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये किसके द्वारा भेजा जा रहा है? ये नासा के द्वारा भेजा जा रहा है। और अभी किसके द्वारा, मतलब कौन से मिशन में भेजा जाएगा, तो आर्टिमस मिशन में भेजा जाएगा, जो कि साउथ पोल ऑफ मून में भेजा जा रहा है। जो चंद्रयान हमारा गया था वो भी साउथ पोल के लिए गया था, बट फेल हो गया। अब यहाँ पे आर्टिमस मिशन जो कि नासा का है वो भेजा जाएगा 3 फेज में, 21 में अभी, फिर आपका 23 में और फिर 24 में। इसमें पूरे 18 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, जिसमें एक महिला होंगी, एक नॉन यूएसए मेंबर होगा, और नॉन यूएसए मेंबर को ही पर्सन ऑफ कलर कहा गया है। ठीक है, अभी यूएई की पहली जो फीमेल बनी है उनका नाम याद रखिए, नौरा अली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो कौन सा बन गया है, शंघाई। किसको पीछे छोड़ के आया, हांगकांग को पीछे छोड़ के अभी बन गया है। और मुंबई कितने नंबर पे है, तो 22वें नंबर पे है, 22 नंबर पे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए लियोनार्डो डी कैप्रियो के साथ किसे गोल्डन ग्लोब ऑनर फाउंडेशन से सम्मानित किया गया है? ये अक्षय कुमार जी को किया गया, इम्पॉर्टेंट है नाम। ठीक है, और ये किस फील्ड में दिया जाता है, ये इन्वायरमेंट के फील्ड में दिया जाता है। अभी आपको याद होगा कि बेसिक की मीटिंग हुई, इसमें का तीसरा एडिशन था, उसको भारत ने होस्ट किया, और ये भी किस लिए था, तो ये भी इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, फिर एजेंडा फर्स्ट 21, ये भी किससे संबंधित है, ये भी इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो जितनी भी इन्वायरमेंटल अगर हो रहे हैं, क्योंकि अब जनरल इन्वायरमेंटल चेंज बहुत हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए इरावती डॉल्फिन भारत के किस झील में पाई जाती है? ठीक है, भारत के, ठीक है, तो ये भारत में कहाँ पाई जाती है, तो ये चिल्का झील में पाई जाती है। हो सकता है ये ना पूछे, तो आपसे लोकेशन ही पूछते कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो आपको पता ना चाहिए चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में। अभी हमने 1 तारीख को उत्कल दिवस मनाया, ठीक है, यहीं पे आपको मास्क के अभियान देखने को मिल रहे हैं, हर तरह से हर स्टेट में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, लिटिल गुरु ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये बीजिंग में किया गया। ठीक है, बीजिंग में तो किया गया, लेकिन किसके लिए किया गया, तो बांग्लादेश के लिए किया गया है। इंडिया मतलब हर लोग के लिए क्या है, इसमें क्या क्या है, लर्निंग का है या रही क्या, संस्कृत का ऑनलाइन ऐप है ये, और ये NCCR फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। जो फाउंडेशन डे हमने मनाया उसी दिन किया गया है। इसका नाम याद रखिए, लिटिल गुरु। हो सके आपसे पूछे लिटिल गुरु क्या है, तो ये संस्कृत सिखाने का एक है, और संस्कृत जो है हमारे शेड्यूल जो है ना 22 भाषाएं उसमें भी शामिल है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैटर कनेक्शन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया अमेजन इंडिया के द्वारा। तो याद रखिएगा, मैटर कनेक्शन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अमेजन इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसके द्वारा चुनाव आयोग के रूप में चुना गया? तो ये कौन है, यह है सुनील चंद्रा जी, एक है सुनील अरोरा और एक है सुनील चंद्रा। सुनील चंद्रा जो है अभी बनेंगे, सुनील अरोरा इससे पहले के थे जो अभी रिटायर हो जाएंगे, और ये हमारे 15वें भाग में चुनाव आयोग के बारे में भी आर्टिकल है। चुनाव चल ही रहा, जान ही रहे हैं यूपी में, पंचायत और बांग्लादेश में भी, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 324 से 329 तक। और हम 15 जनवरी 2050 से मतदाता दिवस मनाते हैं। पहले कौन थे चुनाव आयुक्त, तो सुकुमार सेन थे। पहली अगर फीमेल पूछेगा तो VS रमा देवी थी, जो कि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए थी, 2-3 महीने के लिए साथ थे। और जिसने अभी वोटर आईडी जो होती है ना, कौन सा टिकट ने दिया था, तो TN शेषनाथ ने दिया था, क्योंकि इनका भी निर्धन हो गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सके। तो इतने पॉइंट्स जैसे याद रखिएगा, लोकेशन मतलब उसमें कितने मेंबर होते हैं, 4, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट हेड होता है, 3 और 2, तो 3 ही होते हैं, फर्स्ट और 2। नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए ये क्या निर्णय
आदर्श पोर्टल का उद्घाटन किसके ने किया? तो डीवी चंद्रचूर ने किया है, ठीक है, डीवी चंद्रचूर। फिर सबसे बड़ा मुफ्त व्यापार समझौता जिसे कि आरसीपी कहते हैं को लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो सिंगापुर बना है, ठीक है, इसमें भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। ये आसियान का है एक पार्ट है, आसियान भी जानते हैं, आसियान की जब मीटिंग होती है तो इसकी भी मीटिंग इसी समय होती है। तो आरसीपी में जानते हो फ्री ट्रेड होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा भी कौन बना है? सिंगापुर, ठीक है। इसमें चाइना और भी सारे अदर कंट्रीज भी शामिल हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा, हो सके आपके एग्ज़ाम में ये पूछ लें, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सोनू सूद को कोविड वैक्सीनेशन अम्बेसडर किस राज्य में बनाया गया है? तो अभी पता है सोनू सूद ने पिछली बार बहुत काम किया था 2020 में और अभी भी बहुत काम कर रहे हैं, तो ये पंजाब को में बनाया गया है। आपको ये भी याद होगा सोनू सूद की एक बुक आई थी आई एम नॉट मसीहा, ठीक है, एयरलाइंस ने अपने एयर पे इनकी पूरी फ़ोटो भी बनाई थी। ये तो नहीं पूछेगा, बट हाँ ये पूछ सकता है कि इनकी बुक का नाम, या फिर ये पूछ सकता है कि इनके इन्होंने इनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो SDG ह्यूमेटेरियन अवार्ड मिला था, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर किसने नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्टिस्ट एंड रीडर्स अवार्ड जीता है? तो ये कौन है? ये है गुनीत मोंगा जी को दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, UAE के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो UAE का जो सर्विसेज, जैसे हमारे भारत में भारत रत्न होता है, तो वहाँ के नागरिक किसी को सम्मानित किया? यूसुफ अली को किया गया, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, यूसुफ अली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 13 अप्रैल हम किस लिए जाने, कल इम्पोर्टेंट डे था ना, एक जलिया वाला बाग था इसलिए इम्पोर्टेंट था, और 1991 में घटी थी ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे कांड भी हुए थे, आपको पता ही होगा, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 74 नंबर का बाफ्टा जैसे कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड करते हैं, तो बेस्ट फिल्म कैसे दिया गया? तो ये दिया गया है नोमैडलैंड को, इतना बस याद रखिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इससे नहीं पूछता, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश का है। देन क्या है, इक्वाडोर ये राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो ये कौन है, गुइल मेरगो लेसो, ये हैं। और अभी यहाँ पे दो जलधारा देखने को मिलती है, एक अलिनो लेक है, एक हम्बोल्ट धारा, हम्बोल्ट हॉट है मतलब गर्म जलधारा है, और अलिनो, और एलिनो अगर इंडिया की तरफ बहने लगती है, जो हिंदी ओशन है वहाँ बहती है, तो वहाँ पे क्या होता है इससे प्रॉब्लम, तो इंडिया में इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे अकाल आ सकता है, अलिनो और जानते हो ना अलिनो इफेक्ट, तो ये भी एग्ज़ाम में हो सकता है पूछ ले आपसे। तो ये चलिए एक बार मैप में देख ले कहाँ है, देखिए ये है इक्वाडोर, साउथ अमेरिका का एक पार्ट है सेंटर, और आपका यहाँ पे 0 डिग्री लाइन यहाँ से गुजरती है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इससे कहाँ पे इसकी स्पेसिफिक लोकेशन है, इक्वाडोर, और आपका 0 डिग्री लाइन गुजरती है। अगर पूछा जाए यहाँ से एक माउंटेन भी गुजरता है जो कि सबसे लंबा है, ठीक है, तो वो कौन सा है? वो है एथेंस माउंटेन, और इसकी कैपिटल क्या है? क्वेटो, इसकी आपकी क्या है, क्वेटो यहाँ की कैपिटल है। तो इतना ही इसे याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इसे नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसे स्पेशली इसमें माउंटेन, इसकी हेडक्वार्टर यही सब पूछता है। और यहाँ पे एक आर्किपेलागो है, आर्किपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, हो सकता है पूछे कि किसके पास में है या कहाँ पे इसकी है, अपनी बाउंड्री किसे शेयर करता है, देखिए कोलंबो से और पेरू से, दो से ही शेयर करता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।